ध्यायेत नित्यं महेश रजत गृणिभम चारु चंद्रावत रत्ना कलपो ज्वलांगम परशु मृग बरा भीति हस्तम प्रसन्नम पदमासीनम समन्ता अस्तुत मगने व्याघ्र कृतिम वशानम विश्वाद्यम विश्व बीजम निखिल भय हरम ओम नमः शिवाय जय श्री राधे कृष्ण आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आइए आज सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा सबसे पहले तो आप तो सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं भगवान महादेव माता पार्वती आप सभी भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करे और, और सदैव भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर सदा बना रहे सभी सदा स्वस्थ रहे और सदा खुशहाल रहे महाशिवरात्रि का व्रत हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव माता पार्वती और साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट, में प्रकट हुए थे और महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ का, का माता पार्वती, पार्वती के साथ विवाह संपन्न हुआ था महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं कथा श्रवण करते हैं भगवान भोलेनाथ उनकी सभी इच्छाओं को तो पूर्ण करते हैं महाशिवरात्रि का व्रत यह सभी, यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है इससे आरोग्य की, की प्राप्ति होती है जब व्यक्ति पाप के पाप और प्राप ताप नष्ट होते हैं, हो तब जा तो कर के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है महाशिवरात्रि के दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का रात्रि में चार प्रहर पूजन किया जाता है भगवान शिव का अगर रात्रि में चार प्रहर पूजन ना कर पाए तो कम से कम भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं तो कम से कम भगवान भोलेनाथ का महाशिवरात्रि के दिन जल से अभिषेक करना चाहिए और उनके ऊपर बिलपत्र चढ़ाना चाहिए इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं विशेष प्रकार की पूजन विधि के बारे में जानकारियाँ प्राप्ति के लिए रात्रि चार पूजन के बारे में जानकारियाँ प्राप्ति के लिए आप वीडियो के आइकन में जा कर के या डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ पर वीडियो का लिंक दिया गया है आप उस लिंक के माध्यम से पूजा विधि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं तो आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा अगर आप हमें कथा के लिए अन्नदान वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से गूगल पे फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने इच्छा अनुसार ब्राह्मण दक्षिणा हमें प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय माता पार्वती की जय बहुत समय, समय पहले की बात, की बात है कि एक, एक बार पार्वती माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि हे प्रभु ऐसा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ व्रत है तथा सरल व्रत है जो मुझे बदलाने की आप कृपा करें जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर पाए हे प्रभु आप ऐसा उत्तम व्रत को बतलाने की कृपा करें भगवान शिव जी ने कहा कि हे देवी फिर भगवान शिव जी ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत का विधान बतलाया तथा एक कथा सुनाई कि एक गांव में एक शिकारी रहता था उस शिकारी का काम था कि पशुओं की हत्या करके वह अपने और अपने कुटुम्ब जनों का पालन और पोषण किया करता था और वह शिकारी एक साहूकार का ऋणी था लेकिन, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका पाने के कारण क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया संयोग दिन शिवरात्रि थी शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें बाते सुनता रहा चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए निकला लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर वह पड़ाव बनाने लगा बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, था जो कि बिल पत्रों से ढका हुआ था शिकारी को उसका पता न चल पाया और पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनिया तोड़ी वे ऐसी शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गया एक रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मिर्गी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा को खींची मिर्गी बोली कि मैं गर्भिणी हूँ शीघ्र ही प्रसव करूंगी तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक बिल्कुल भी नहीं है मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास प्रस्तुत हो जाऊंगी तब तुम मुझे मार लेना शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मिर्गी झाड़ियों में लुप्त तो हो गई। कुछ देर के बाद एक और मृगे उधर से आई। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से नृत्य हुई हूँ हु, कामातुर बिहरणी हूँ अपने प्रिय की खोज में भटक रहे हूँ अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी शिकारी ने उसे भी जाने दिया दो बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया वह चिंता में पड़ गया रात्रि का प्रहर बीत रहा था तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली शिकारी के लिए वह स्वर्णमई अवसर था उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली कि हे पारधी हे शिकारी मैं इस बच्चे को इसके पिता के हवाले कर कर, कर लौट आऊंगी इस समय तुम मुझे मत मारो शिकारी हंसकर बोला कि सामने आए हुए शिकार को छोड़ दो मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं दो बार अपने शिकार को खो चुका हूँ मेरे बच्चे भी भूख प्यास से तरप रहे होंगे उत्तर में मिर्गी ने फिर से कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है ठीक वैसे ही मुझे भी इसलिए सिर्फ बच्चों, बच्चों के नाम पर, पर मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे जीवन दान मांग रही हूँ हे शिकारी मेरा विश्वास करो मैं, मैं इनके पिता के पास, पास इन्हें छोड़कर तुरंत लौटने लोट की प्रतिज्ञा करती, करती हूँ फिर क्या था मिर्गी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मिर्गी को भी जाने दिया शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बिल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकते जा रहा था और, और फिर, फिर, फिर पाँव फटने पौँँ को हुई। फिर उधर से एक, 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 एक हिस्ट पुष्ट, पुष्ट। मृग उसी रास्ते पर आया शिकारी ने, ने सोच लिया कि इसका, इसका शिकार वह अवश्य करेगा शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देखकर मृग विनीत स्वर में बोला कि हे शिकारी कि हे शिकारी यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीन मृगियों तथा छोटे बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब बिल्कुल भी ना करो ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी, भी दुख न सहना पड़े मैं उन मृगियों का पति हूँ यदि तुमने उन्हें जीवन दान, दान दिया है तो, तो मुझे भी, भी कुछ क्षण जीवन दान देने, दान देने की कृपा करो मैं, मैं उससे मिलकर तुम्हारे कर सामने उपस्थित हो जाऊंगा मृग की बातें सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम आया उसने सारी कथा मृग को सुना दी तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन वो भी नहीं कर पाएंगी अतः हे शिकारी जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मान कर छोड़ा है वैसे ही मुझे भी जाने दो मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा इस प्रकार से उपवास रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय भगवान शिव की कृपा से निर्मल हो गया उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया धनुष तथा बाण उसके हाथों से सहज ही छूट गया भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणामय भावों से भर गया वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा थोड़ी ही देर बाद मृग सब, सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित तो हो गया ताकि उसका, उसका शिकार वह कर सके किंतु जंगली पशुओं की ऐसी, ऐसी सत्यता, सत्यता सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना, भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानी हुई उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु वह बन गया देवलोक के समस्त देव समाज इस घटना को देख रहे थे घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की तब शिकारी तथा मृग सब परिवार भगवान शिव की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं कथा श्रवण करते हैं भगवान शिव जी उनके मनोरथों को तो अवश्य ही, ही पूर्ण करते हैं तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय माता पार्वती की जय महाशिवरात्रि महा का व्रत जो कि हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन किया जाता है वैसे शिवरात्रि का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है और भगवान शिव का हर महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन पूजन किया जाता है लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान शिव का विशेष प्रकार से पूजन किया जाता है क्योंकि भगवान शिव का इसी दिन ज्योतिर्लिंग रूप इसी दिन प्रकट हुआ था और माता पार्वती के साथ विवाह भी संपन्न हुआ था इस कारण से महाशिवरात्रि व्रत के दिन पूरे धूमधाम के साथ पूरे भारत वर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है और इस, इस दिन भगवान शिव का पूरी विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है महाशिवरात्रि के व्रत के दिन, गे दिन गे इस दिन भगवान शिव का महाशिवरात्रि के दिन, गे दिन गे। इस दिन दिन भर उपवास रहते हुए भगवान का दिन के समय और रात्रि में चार प्रहर भगवान का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें सुखी रहे और स्वस्थ रहे जय श्री राधे कृष्ण धन्यवाद